गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर मास्क की, जो कि हम घर पे बना सकते हैं इजीली। दही का हेयर मास्क, उसे कैसे बनाना है और इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, दही के तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आप कंघी करते हो और आप इजिली कंघी नहीं कर पाते हो, आपके बाल बहुत ज्यादा फंसते हैं और फंसने की वजह से टूट जाते हैं, या फिर आप सोचते हो कि मैं कंघी ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, तो अगर आप दही का मास्क यूज करते हो तो आपके बाल फंसना बंद हो जाएंगे, आपके बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आपके बालों से मॉइस्चर उड़ चुका है, आपके बाल पूरी तरीके से रूखे सूखे दिखते हैं, ड्राई दिखते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे और आपके बाल जो है वो बिल्कुल स्मूथ, शाइनी और सिल्की दिखेंगे। दही का जो मास्क है ना, ये सारी तकलीफें आपके बालों की दूर कर देगा, आपके बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, अगर आपके बाल रूखे सूखे बेजान हैं, झड़ते हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल कॉम करने पर सुलझते नहीं है, बहुत ज्यादा उलझे उलझे रहते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं, अगर ये सारी समस्याएं आपके बालों में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीक में एक बार जरूर से जरूर ये मास्क ट्राई करना है, एक बार जरूर लगाना है। क्योंकि वीक में एक बार क्या होता है, इसे आप 3 वीक तक लगातार लगाइए, सिर्फ संडे को लगा लिया, नेक्स्ट संडे, फिर नेक्स्ट संडे। ये मैं इसलिए बोल रही हूं ना, क्योंकि क्या होता है, आपके बाल जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, बालों को ट्रीटमेंट देना है, बालों का इलाज करना है, बालों को अच्छा पोषण देना है, अच्छा खाना खिलाना है, ताकि आपके बाल खूबसूरत दिखें, आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। उसके बाद जब आपके बाल पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, तब आपने क्या करना है, आपने महीने में एक बार यूज करना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि क्या होगा, मैंने आपको बताया आप एक बार यूज करोगे वीक में, हो सकता है 15-20 दिन बाद फिर आप यूज करो, लेकिन बोलोगे कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, जब लगाओ तो ठीक हो जाता है, 1-2 दिन सही रहता है या 1 हफ्ता सही रहता है, उसके बाद फिर से वैसा हो जाता है। तो भैया, आप पहले ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये नहीं है कि आपने आज लगा लिया फिर 15 दिन बाद। अगर आपको फीवर हो जाता है ना, तो डॉक्टर भी आपको एक कोर्स देता है कि हाँ आपको 4-5 दिन दवा खाना है, उसी तरीके से ये आपका कोर्स है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 हफ्तों का कोर्स, यानी कि ये मास्क आप 3 वीक लगा लेते हो, तो आपने अपने बालों का इलाज कर लिया, मतलब आपके बालों की जो समस्याएं थी वो ठीक हो गई हैं। इसके बाद यही मास्क जब आप महीने में एक बार यूज करोगे या 15 दिन में ये यूज करोगे, तो उसका मतलब ये होगा कि अब आप ये मास्क इसलिए यूज कर रहे हो ताकि आपके बालों में दोबारा इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मतलब आप अपने बालों को, जैसे हम इम्यूनिटी अपने शरीर को, क्या हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं ताकि हम बीमार ना हो, उसी तरीके से आप अपने बालों को पोषण दे रहे हो कि दोबारा वो बीमार ना हो, यानी कि दोबारा उसमें इन सारी ये जो समस्याएं हैं ये दोबारा ना हो। तो इसलिए पहले आपको ये कोर्स कंप्लीट करना, और मैं पहले ही बता दे रही हूं कि अगर आपने हर वीक ये यूज नहीं करना है तो आप मत कीजिएगा, क्यों, आप 1 दिन यूज करोगे फिर 15 दिन बाद यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो पहले आपको 3 बार लगातार लगा लेना है हर वीक में, उसके बाद आप अपने मर्जी के हिसाब से लगा सकते हो 15 दिन 20 दिन, महीने, जब आपको टाइम मिले। तो चलिए मास्क बनाते हैं, कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मास्क पसंद आया और बेनिफिशियल हो तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो इस मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा, एलोवेरा की फ्रेश पत्तियाँ ली हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश पत्तियाँ लेते हैं, फ्रेश जेल निकालते हैं, तो वो बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 एलोवेरा की पत्तियाँ ली हैं, उन्हें मैं अच्छे से कट करके उनका जेल निकाल लूँगी। तो एलोवेरा में जो होता है, वो एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें 6 तरह के एंटीसेप्टिक एजेंट पाए जाते हैं, जिस वजह से ये स्कैल्प पर होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करता है, डैंड्रफ, साथ ही डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली को भी दूर करने में हेल्प करता है। इसमें सिस्टीन और लार्सिन तत्व पाए जाते हैं, जो बालों को झड़ने से रोकते हैं और उन्हें लंबा और घना बनाने में हेल्प करते हैं। तो एलोवेरा तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैं सारा जेल एलोवेरा से निकाल लूँगी।
और इसको आप चाहें तो मिक्सर में ऐसे ही ब्लेंड कर सकते हैं, या सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करके ब्लेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपसे ब्लेंड हो जाता है अच्छे से तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा जेल निकाल लिया है एलोवेरा का। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शहद। शहद जो होता है वो बालों में नमी बनाए रखने के गुण होते हैं। इसमें ये रूखे सूखे उलझे बालों को सेट करके रखता है, जिससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते नहीं हैं, बाल बिल्कुल स्मूथ रहते हैं और बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब शहद यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इन्ग्रीडियंट जो है वो है दही। दही जो होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दही एक प्राकृतिक कंडीशनर होता है, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके इस्तेमाल से बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, खिले खिले दिखते हैं। जिन लोगों के 2 मुहे बाल होते हैं उनके लिए दही बहुत अच्छा होता है, उनकी 2 मुहे बालों की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों के बाल घुंघराले हैं ना, घुंघराले बाल वालों के लिए दही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बालों से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और बालों को जो है बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो इसको मैंने एक ब्लेंडर में डाल के मिक्सी के जार में अच्छे से मिक्स कर लिया है तीनों को। उसके बाद अब मैं इसे अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई करूँगी। बालों के आप छोटे छोटे सेक्शन बना के आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको अपने बालों में इस तरीके से लगाना है कि ये आपके स्कैल्प पे अच्छी तरीके से लग जाए। बालों की जड़ों से लेके आपको पूरा टिप तक लगाना है, लेकिन जड़ों में अच्छे से लगना चाहिए, क्योंकि हमको अपने स्कैल्प को क्लीन करना है, हमको अपने स्कैल्प को हेल्दी बनाना है, तो हमारे स्कैल्प पे लगना बहुत ज़रूरी है। तो बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाएं और बाकी बचा हुआ मास्क आप पूरे बालों में लगा सकते हैं। पूरे बालों में अच्छे तरीके से लगा लीजिए, लेकिन स्कैल्प पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे से छोटे छोटे सेक्शन लेके स्कैल्प पे लगा लीजिए। इस मास्क को लगाने के बाद आपको 5 मिनट तक अपने स्कैल्प को मसाज करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इस मास्क को अपने पूरे बालों में लगाएंगे और अपने स्कैल्प से लेकर अपने पूरे बालों में लगाना है, और इस तरीके से हल्के हल्के मसाज करना है 5 मिनट तक। जैसे कि हम ऑयलिंग करते हैं तो मसाज करते हैं उसी तरीके से। मसाज करने से क्या होगा कि आपका जो है स्कैल्प का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही साथ जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा वो दूर हो जाएगा और ये मास्क स्किन में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन के अंदर चला जाएगा, जिससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी आपके बालों की। तो इसे इसी तरीके से लगा लेना है। इसके बाद आप एक बन बना लीजिए और आधे घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आपको ये आपको हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से।